नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है YouTube टाइम्स में। दोस्तों आज ज्यादा न्यूज नहीं है, बहुत ही कम न्यूज है। दोस्तों जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है सम्राट भाई की तरफ से। जो सम्राट भाई ने कल वीडियो बना डाला था जिसे, उस वीडियो के ऊपर पहले उनको कॉपीराइट क्लेम मिल चुका था और उस कॉपीराइट क्लेम की वजह से उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया था। जो हमारे कॉमेडियन है उन्होंने ब्लॉक करवाया था उस वीडियो को। तो अब वो वीडियो आ चुका है YouTube पे वापस। उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा था, उनका जो रिएक्शन है वो। सो गाइस, यार मुझे नहीं पता था कि वो फ्रीडम टू स्पीच मांगने वाले इतना ज़्यादा डर जाते हैं। सो आप जब जाके देखेंगे तो मेरी वीडियो ब्लॉक कर दी गई है, यूट्यूब से हट गई है वो। एंड ये कोई आदर मलिक करके कोई बंदा है, इसके बिहाफ में आइए, जिसने शायद स्टैंड अप करी थी। बाय द वे मैं इसको जानता भी नहीं था ये कौन है, ठीक है, बट स्टिल आज ये कन्फर्म हो गया जो फ्रीडम टू स्पीच के लिए लड़ रहे थे कि एक आर्टिस्ट को फ्रीडम टू स्पीच नहीं मिलती। लॉजिकली अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो ये वीडियो डाउन करा देते हैं मेरा। अब पता नहीं वीडियो वापस आएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि आई नो कि कहीं ना कहीं मैं भी कर रहा हूँ तो मैंने फेयर यूज से ज़्यादा यूज़ कर लिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट किसी की वीडियो डाउन नहीं कराता। उनको डाउन करानी होती ये उसी वक्त करा देते क्योंकि वीडियो डालने से पहले क्लेम पड़ गया था। बट क्या ना, ट्विटर पर पब्लिक ने हल्ला मचा दिया तो इन लोगों ने वीडियो डाउन कर दी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और बात कर रहे थे कि आर्टिस्ट को फ्रीडम नहीं है, पूरी लॉजिकल वीडियो थी, एक गाली, एक भी गाली नहीं थी पूरी वीडियो में। वीडियो हटा दी है, मेरी टीम बात कर रही है और अभी बोलता हूँ मैं और लोगों को जो इस चीज़ में एक्टिव। अगर बाई चांस वापस आती है तो ठीक है, और अगर नहीं आती है तो मैं IGTV पे अभी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। बट एक मैसेज आज क्लियरली आपको मिल गया है कि ये किसी के नहीं हो सकते। ये लोग बोलते हैं फ्रीडम टू स्पीच एंड मेरी वीडियो डाउन करा के ये अपनी फ्रीडम टू स्पीच जीत रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा किया आपने। खैर मैं IGTV पर डालता हूँ वीडियो, जैसा सपोर्ट YouTube पे दिखाया वैसे सपोर्ट प्लीज़ इधर भी दिखाइएगा। शुक्रिया। भाई तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाकर इनको गालियाँ मालियाँ मत दो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। एंड मैं हिंदुस्तानी भाव के ऊपर 17-18 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लेना, गेट वेल सून भाऊ के नाम से मेरे चैनल पे है। एंड बहुत लोग कह रहे थे मेरे को कि तूने ना शुभम को कुछ बोला, ना तूने हिंदुस्तानी भाऊ को कुछ बोला, वॉइस लुका रूम वाली वीडियो हो गई एंड मिशन सैनिटाइज़र हो गई एंड गेट वेल सून भाऊ हो गई, बहुत सी वीडियो मैंने बोला है, बहुत सी वीडियो बोला। और शुभम वाले मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लीगल एक्शन हो गया, कोरोना नहीं है। सो किसी को गाली मत दो, जो मैंने फैक्ट माने फैक्ट दो, अपन को हेट नहीं स्प्रेड करना है, लॉजिक के साथ लेना है। दोस्तों जो हमारी सेकंड न्यूज आ रही है वो आ रही है एलवी यादव की तरफ से। एलवी यादव ने उन्होंने एक ट्वीट किया था आज, तो उन्होंने ट्वीट में लिखा था इन स्टैंड अप वालों का कुछ करना पड़ेगा अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद एलवी यादव इन स्टैंड अप वालों के ऊपर, एक जो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट टॉपिक ये होता है कि क्या दूसरा कोई होता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। जो हमारी थर्ड न्यूज़ आ रही है वो आ रही सतीश कुशवाहा की तरफ से। सतीश कुशवाहा ने उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 मिलियन व्यूज पे YouTube कितने रुपए देता है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी सम्राट भाई के इंस्टाग्राम का और उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलविस भाई के भी हम YouTube चैनल का और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके उनको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद जय भारत।